बेटा पिछली क्लास में तो हमने काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ें देखी थी। देखो कि बस जस्ट टर्म्स हमने सीखी थी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड व्हाट आर ऑल द टर्म्स लाइक मेटल आयन किसे बोलेंगे, लिगेंड किसे बोलने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हमने देखे, पॉजिटिव नेगेटिव एम मोनोडेंटेड डाईडेंटेड पॉलीडेंटेड एम्बीडेंटेड। अदर देन दैट बेटा हमने डिस्कशन किया पिछली क्लास में, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हम कर रहे हैं अभी तक। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं डेंटिसिटी क्या होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहेंगे, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का क्या मीनिंग है। तो ये सारी टर्म्स हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देखा जाए तो सारी बिल्कुल बेसिक बेसिक टर्म्स है और बहुत ही बेसिक चीज़ें बनाती है ये, तो इनकी हमें टेंशन लेने की नीड नहीं है। बिल्कुल बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें ध्यान में होनी चाहिए, बहुत अच्छे से बेटा पता होनी चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। ऑल राइट, सर रिपीट कर दो सर। कौन सा बेटा? होमोलेप्टिक और नहीं अच्छा हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक और सर हेट्रोलेप्टिक। हाँ एम्बिडेंटेड भी रिपीट कर दो एक बार। अच्छा चलो देखो यहाँ पे करते हैं बेटा, एम्बिडेंटेड क्या होता है बेटा, ध्यान दो। जैसे मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, सी डब्लो माइनस सी डब्लो माइनस, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पे ये बाईडेंटेड या डाईडेंटेड लिगेंड है, बट इसमें दोनों एटम्स जो डोनेट करते हो सेम तरह के हैं। तो डोनेटिंग एटम केवल डोनेट करने वाले एटम्स कौन है? डोनेटिंग एटम्स यहाँ पे केवल और केवल ऑक्सीजन है, मतलब केवल ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। बट EDTA का एग्जाम्पल लें हम, यदि बेटा EDTA का एग्जाम्पल लो तो आपको रिमेम्बर होगा वहां नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता था और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता था। कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? यस सर सर कर इतना सकते थे। दिमाग में रहा था। तो बेटा जब दो तरह के एलिमेंट्स डोनेट कर सकने वाले होते हैं किसी एलिमेंट में, देन वी कॉल इट एम्बिडेंटेड। तो EDTA इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंटेड। इसी तरह NO, इसमें बेटा नाइट्रोजन भी कर सकता है ऑक्सीजन भी कर सकता है जरूरत पड़ने पे। तो इस तरह के लिगेंड्स भी एम्बिडेंटेड की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट डोनेट कर सकते हो, या दो तरह के, हम मोस्टली दो तरह को प्रिफर करते हैं, तो दो तरह के एलिमेंट डोनेट कर सकते हो तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। आ गई बात समझ? यस सर। कोई यस सर। प्रॉब्लम? आगे बढ़े बेटे इससे। चलो अब इसके बाद हमें पूछा गया है, एम्बिडेंटेड वाली बात कर ली हमने, और एक कौन सी चीज पूछी थी बेटा, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक। बेटा देख यहाँ पे इसमें से बताता हूँ, इस वाले में देखो क्या लिगेंड एक ही टाइप का है, तो ये होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल है। इसमें देखो क्या दो टाइप के लिगेंड्स दिख रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स का। यस सर। इसी तरह ये देखो होमो, ये भी होमो, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ देख बेटा फिर से दो टाइप के लिगेंड आ गए, मतलब हेट्रोलेप्टिक वाला हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी दो टाइप के कॉम्प्लेक्स, मतलब जब लिगेंड एक से ज्यादा तरह के होंगे तो हम उसको बेटा हेट्रो के कैटेगरी में डालेंगे, और जब लिगेंड सेम तरह के होंगे देन वी कैन पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ होमो। मेरे ख्याल से ये डिफरेंस क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया? चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं। कहा अब बिटू देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। अब आपने 11th क्लास में बेटा नहीं भी पढ़ा तो मैं थोड़ा बेसिक से रिपीट करूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, एक बार में बता देता हूँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्चुअली नथिंग बट बेटा ये किसी भी एलिमेंट का चार्ज होता है, इफेक्टिव चार्ज ऑन एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा बिल्कुल बेसिक सा, NaCl। बताओ इसमें सोडियम पे कितना चार्ज है? प्लस, और Cl पे माइनस। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा बेटा प्लस वन, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा माइनस वन। आ रही है बात समझ में? यस सर। और एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स लेते हैं जरा। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो AlCl3 का एग्जाम्पल ले लिया। बताओ एल्यूमिनियम पे कितना ऑक्सीडेशन, कितना चार्ज है इसमें?
तुम देखोगे तो बेटा एल थ्री प्लस और सी एल माइनस, नहीं बेटा देख ऐसे टूटेगा ये, इस तरह से टूटता है। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज हो गया, थ्री प्लस थ्री, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर थ्री हो जाएगा और क्लोरीन का माइनस वन, इस तरह से बेटा। और देखो मान लो हमसे ये बोला जाए एसओ फोर टू माइनस, अब बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है काइंड ऑफ मैक्सिमम जगह जो होता है माइनस टू के बराबर, तो मैं आपसे पूछूं सल्फर का कितना होगा, क्या निकाल सकते हैं इसमें, तो माइनस फोर नहीं, ऑक्सीजन का माइनस टू है तो सल्फर का कितना होगा बेटा, देखो नेट चार्ज है माइनस का दो इस पूरे पे, तो सल्फर का और एक ऑक्सीजन पे माइनस दो है तो चार ऑक्सीजन पे कितना हो गया सर, माइनस फोर, माइनस का एट सर, माइनस एट, तो नेट माइनस टू बचे तो सल्फर को पे कितना होना पड़ेगा, प्लस का सिक्स, यस सर, नेट माइनस टू बचे, नेट माइनस टू बचे तो सल्फर पे कितना होना पड़ेगा, प्लस का सिक्स होना पड़ेगा, माइनस सिक्स। और करवाता हूँ, देखो डरो मत आएगा समझ में, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया बेटा CO3 2 माइनस, ऑक्सीजन का कितना होगा, फिक्स होता है ऑक्सीजन माइनस टू जहाँ जब तक कोई एक्सेप्शन ना आए, अब इसमें कार्बन पे बताओ कितना होगा, जरा सोचो दिमाग लगाओ, प्लस फोर, सोच पा रहे हैं, यस सर प्लस फोर, बिल्कुल, कैसे एक ऑक्सीजन पे दो है बट बेटे यार तीन ऑक्सीजन है तो तीन ऑक्सीजन मिला के टोटल कितना हो गया, माइनस का छह, बट हमें टोटल माइनस दो लाना है तो कार्बन को कितना होना पड़ेगा, फोर, आ रहा है दिमाग में सर, समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर, अरे बेटा कॉमन मैथमेटिक्स लगा रहा है बिल्कुल बेसिक लेवल की, ऐसे समझो मैंने ये लिखा है SO4 2 माइनस, ये एक एलिमेंट है, ये एक रेडिकल है, तो समझ में आता है एनायन है बेटा, एक रेडिकल है पॉलीएटॉमिक, यस सर, हम बोल रहे हैं तुम्हें ऑक्सीजन का पता है, तुम तो मान के चलो माइनस दो होता ऑक्सीजन पे नंबर, तो ऑक्सीजन का नंबर है माइनस दो, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सल्फर का क्या होगा, तो क्या करेंगे सिंपल लॉजिक, बेटा एक ऑक्सीजन पे माइनस टू है तो चार ऑक्सीजन पे कितना होगा सर, माइनस एट, माइनस एट, अब बेटे इस पूरे मॉलिक्यूल पे ऊपर देखो नेट कितना है, नेट चार्ज कितना है पूरे मॉलिक्यूल का, माइनस का टू, तो सल्फर का नंबर कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये माइनस टू बच जाए, तो कितना होना चाहिए, कॉमन मैथमेटिक्स क्या, प्लस सिक्स, प्लस का सिक्स, बस यही सिखा रहा हूँ, यहाँ देखो और ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है तो तीन ऑक्सीजन का कितना हुआ, हाँ सर ये सब प्लस फोर होगा समझ, हाँ अब आया समझ में, यस सर, आ रहा है क्या पक्की बात, यस सर, आ गया, यस सर, और देखो और देखो, टेंशन मत करो और करते हैं बेटा, CN6 और इस पे टोटल पे माइनस का फोर चार्ज है बेटा, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस और साइनाइड पे कैसा चार्ज होता है, तुम्हें पता होना चाहिए पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है CN पे कैसा क्या चार्ज होता है साइनाइड पे, कैसा लिगेंड है साइनाइड कैसा लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है बेटा, माइनस भगवान बोला था तुम्हें पढ़ के नहीं है, ये देखो बेटा स्टैंडर्ड ध्यान में रखना है, CN पे माइनस चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है माइनस का वन, माइनस, हाँ तो कितना चार्ज हुआ साइनाइड पे, माइनस का एक, तो मुझे आयरन कितना होगा बताओ, सर प्लस का फाइव, बेटा देख ऊपर माइनस फोर बचाना है, माइनस फोर कब बचेगा, प्लस टू, बहुत बढ़िया, जब आयरन पे कितना हो, यस सर टू, समझ गया मैं बेटा, बिल्कुल बेसिक चीज है, अब ये देखो पता होना चाहिए, एक चीज का पता होना चाहिए, तो हमने साइनाइड का सीखा हुआ है, साइनाइड का होता है माइनस वन,
तो साइनाइड का माइनस वन होता है, तो हमने वहां से देख लिया तो छह है साइनाइड, तो माइनस का सिक्स टोटल हुआ इसका। अब माइनस फोर बचना चाहिए, तो आयरन कितना होना चाहिए? प्लस टू होना चाहिए। नहीं आया सर? आ गया। और देखो कोबाल्ट एनएच थ्री होल सिक्स प्लस थ्री। अब बताओ बेटा एनएच थ्री पे कैसा चार्ज होता है अमीन या अमोनिया या पे? तो आंसर है जीरो, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसा चार्ज होता है? जीरो। जीरो। तो कोबाल्ट पे कितना होगा बताओ? थ्री प्लस थ्री। प्लस थ्री। क्या समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं बेटा, जो चार्ज निकाला। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। तो ये तो बेटा डेफिनेशन है टेक्निकल, बट एक्चुअल में क्या है, इन शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं बेटा नेट चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। नेट चार्ज ऑन सेंट्रल एटम इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन शॉर्ट बेटा डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। पहली बात तो इसकी आपसे एग्जाम में नो वन इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान क्या रखना है कि निकालते कैसे हैं। क्या ये दिमाग में घुसा हमारे? हाँ ना बेटा, देखो बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर है ये, समझो तुम्हें एक पता होना ही पड़ेगा। और वो कैसे पता होगा? हमने पहले बेटा लिगेंड्स देख लिए, आपको बताया न्यूट्रल कौन सा, माइनस कौन सा, प्लस कौन सा, तो उसका एक का पता है तो दूसरा निकल जाएगा। अब ये होता कैसे है? तो बेटा बहुत बेसिक प्रोसीजर है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बिल्कुल बेसिक चीज़ संभालनी हो है आपको, बस बेसिक बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसकी वैल्यू क्या है और चार्ज मतलब वैल्यू सेटिस्फाई करनी है, दैट्स इट। मैं और भी कई सारे एग्जाम्पल लूँगा, क्विकली एक बार बेटा इसको लिख लो और फिर ये एक दो एग्जाम्पल साथ में लिख लो, फिर मैं और एग्जाम्पल्स लेता हूँ इस पर। जल्दी जल्दी लिख के करो, डरो मत, मैं और एग्जाम्पल्स लूँगा तुम्हें तो पक्का समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी करवा दूंगा इनफ। फटाफट से इनको लिखो सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी, और लिखने में स्पीड रखनी है। सर आज मैथ्स की क्लास होगी क्या? क्या आज मैथ्स की क्लास होगी? मैथ्स की क्लास बेटा सभी मैसेज आने पे है, सर ने कहा मतलब तबीयत कम ठीक थी बट सर ने बोला तो है कि वो हो पाया तो वो लेंगे क्लास, तो सर मैं आपको मैसेज कर देंगे तो मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। मैंने उन्हें बोला सर आप 5 बजे तक बता देना है ना, बाकी प्राइमा फेसे तो यही है, सर ने यही बोला है कि क्लास लेंगे वो, बाकी सिचुएशन है यदि सर को सही नहीं लगा और तबीयत सही नहीं है तो फिर हो सकता है कैंसिल हो, तो अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा मेरे पास। हम तो दुआ कर रहे हैं अभी से कैंसिल हो जाए, चिंता मत करो बेटा, क्लास कैंसिल हो रही है ना तो अगले वीक में ज्यादा क्लास होगी, तो ऐसे खुश मत हो तुम, ये तो बिल्कुल भी मत रखो। तीन क्लास दो क्लास यदि कुर्बान हुई है तो अगले वीक में दो क्लास ज्यादा होगी। तो संडे को कर लेना। संडे को कर लेना। अरे बेटा टाइम एक्सटेंड मत करो बेटा, संडे का तो डिपेंड करता है ना, संडे की नहीं बोल सकता मैं, वो जब भी सिचुएशन होगी। अब सर की क्लास तो इसलिए नहीं हो रही ना कि तबीयत बेटा ठीक नहीं है, वो तो एक वो है, बट वो तो कंपनसेट तो करनी ही पड़ेगी ना, नहीं तो सब चीज़ों में पीछे हो जाएंगे। अब वो जैसे भी कंपनसेट होगा संडे या नॉर्मल वे में, कुछ नहीं बेटा, तीन की जगह चार क्लास हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बच्चे बातें तो ऐसे करते हैं जैसे कि पता नहीं कितनी सारी क्लास। सर साइंस थोड़ी पढ़ाओगे क्या बेटा? सर साइंस की थोड़ी टाइम बढ़ाओगे? सर टाइम नहीं नहीं साइंस क्लासेस का साइंस चल रहा है काफी है बेटा, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, मतलब टाइम नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात है। जैसे क्लासेज यदि लॉस हो गए तो बढ़ाएंगे, किसी भी वजह से लॉस होती है तो बेटा अगले वीक में कंपनसेट करना ही होता है उसे, अनटिल अनलेस यदि बहुत अच्छा सिलेबस पेस पे चल रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज कंपनसेट करती है बेटा। इट्स नॉट दैट केस की क्लास दो क्लास मिस हो गई तो वो कंपनसेट नहीं की जाएगी ना, वो तो तभी केस हो सकता है जब आप ऑलरेडी बहुत आगे चल रहे हो, और ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल नॉर्मल पेस पे चल रहे हैं। तो क्लास कैंसिल होती है तो खुशी मत मनाओ, वो अगले वीक
ऑटोमेटिक कंपनसेट हो जाएगी या उससे नेक्स्ट वीक, मतलब आने वाले टाइम में 1 से 2 वीक में. बट इन केमिस्ट्री वी आर गोइंग वेरी गुड. फिजिक्स में थोड़ा स्लो है बट वो थोड़ा सब्जेक्ट भी ऐसा ही है तो इट्स फाइन. लिख लिया, जल्दी से लिखो. सडन इज इट डन? यस. चलिए बेटा अभी यहां पे चलने से पहले एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं बेटा, तो छोड़ देता हूं मैं. NS3 hall 4 CL2. ठीक है, ये सिचुएशन है बेटा हमारे पास. +4 कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है. करो देखे ट्राई. PTOX hold twice. नहीं बेटा 6 नहीं आएगा, दिमाग लगाओ. अच्छा सॉरी +2 सॉरी ना गड़बड़ कर दी बेटा, -4 आएगा ऊपर. माय मिस्टेक. ना एक सेकंड, दिस इज -2. अब करो बेटा -1. ठीक है, दबान. सर ये -4 है या -1 है? क्या बेटा ये -1 नहीं है वाला? वन आएगा. हाँ
यस सर। सर सेकंड में किसका फाइनल? पीटी का बेटा, पीटी का बेटा। ये समझ आया? देखो NH3 पे जीरो होता है, Cl पे माइनस वन होता है, तो टोटल हो गया माइनस टू। तो माइनस वन रखने के लिए कॉपर कितना होना पड़ेगा बेटा? समझ पा रहे हो क्या ये? यस सर। या नहीं समझ पा रहे हैं? दूसरा बताओ। रचना इधर एक बार। सिक्स बेटा, वो क्या 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 आंसर आ रहे हैं? तो सिक्स है क्या? पीटी पे तो सिक्स है बेटा। देखो ओएक्स पे कितना चार्ज होता है सोचो। माइनस टू प्लस वन यस एट आएगा बेटा। दो ओएक्स का मिला के कितना हो जाएगा? माइनस का फोर। तो यदि ऐसे कोई सिचुएशन है तो इस पे कितना हो जाएगा? हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बट जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चले तो एट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। क्या बात समझ आ रही है? yes. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। So what is EAN? This concept was produced by Sidwick. तो बेटा साइंटिस्ट का नाम है, कोई याद नहीं रखना। In a complex, the EAN of metal atom is equal to the total number of electrons present in it. ये तो बेटा थोड़ा सा बेसिक पार्ट हुआ। याद क्या रखना है? याद ये फॉर्मूला करना है हमें, आप सबको ये फॉर्मूला याद करना है। How to find EAN? At Z होता है बेटा एटॉमिक नंबर। ON का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, एंड टू मल्टीप्लाई बाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना EAN निकालने का। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि आपसे पूछूं, ध्यान से देखना कि इस कॉम्प्लेक्स का हमें EAN निकालना है, तो निकालो जरा। सब चीजें तुम्हें पता है, मैं खुद लिख देता हूं। जेड होता है बेटा आयरन का, कितना होता है जेड? एटॉमिक नंबर वो जो ऑफ आयरन 26। बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है इसका? 6। इस पे चार्ज तुम निकालो आयरन पे, मैं नहीं बता रहा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सभी और EAN निकाल के बताओ कितना आएगा। क्विकली डू इट, जस्ट फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा, जिसमें से दो चीज मैंने बता दी है, तीसरी तुम निकालो कितनी आएगी। Fe पे कितना चार्ज आएगा कोई बताएगा? ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज कितना है Fe का? 2।
प्लस टू आएगा बेटा। प्लस टू बस अप्लाई करो फॉर्मूला, कितना आता है आंसर देखो बेटा, 26 माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स 12 सॉरी 2 टाइम्स 6, तो कितना आंसर आया? 36 36। क्या सभी बच्चों का आ रहा है? यस सर। बेटा देखो सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन है, जेड तुम्हें पता होना चाहिए, दिया रहेगा मान लो एटॉमिक मास नंबर का, बाकी 30 तक आने चाहिए हमें, इट इज मिनिमम टिल 30। ये वाला हो गया तो क्विकली इसको लिख लो फटाफट से, मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगा, फटाफट लिखो इसे। सर रिनोट गैस का ही एन कितना होता है? क्या बेटा? रिनोट गैस का ही एन कितना होता है? अभी निकालेंगे बेटा। बेटा ये इसका ही एन निकालो एक बार। इसका निकालो क्विकली।
45 बेटा 45 तो हो ही नहीं सकता सर 35 हाँ गुड यस सर 35 बेटा आ गया सबका यार निकाल पा रहे हो क्या यस नो प्लीज रेस्पॉन्ड यस सर बेटा कहीं पे दिक्कत आ रही है तो पूछो हाँ ईशिका बेटा आप पूछो क्या पूछ रहे थे सुना तो नोट क्या सिस का ये एन पूछ रहे थे वो कैसे निकले केक का हाँ नहीं केक का नहीं ये सेंट्रल मेटल का ही होता है ये एन एन हमेशा सेंट्रल मेटल का निकाला जाता है ठीक है के तो काउंटर आयन है इसका तो कोई रोल ही नहीं अलग से सही है ठीक है सर गेटिंग इट यस नो यस सर बेटा देखो बहुत बेसिक चीज है कोई भी पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो पूछो बेटा बताओ क्या ये निकाल पा रहे सक्षम है हम यस सर यस सर यस सर चलो बेटा अब ये एक स्टेटमेंट देखो एन आई एन विद सेंट्रल मेटल एटम हैविंग ई एन इक्वल टू नेक्स्ट इनर्ट गैस विल बी मोर स्टेबल अच्छा नेक्स्ट इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ इनर्ट गैस कौन कौन से कौन बताएगा नेम बेटा इनर्ट गैस नेम्स कैन एनीवन मेंशन सर आर्गन हीलियम क्रिप्टॉन ज़ेनॉन नियॉन ज़ेनॉन ज़ेनॉन ये सब है बेटा इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है 2 10 चल रहा है समझ में आ गया तो बेटा एक बात बताओ आयरन का नंबर है 26 तो इसके आगे की नोबल गैस कौन सी है 26 के आगे कौन सा नंबर आ रहा है नोबल गैस का ज़ेनन सी बेटा ज़ेनन का 36 तो इन दोनों में से किसका ईएन 36 है देखो दो ईएन हमने निकाले K4Fe-CN6 का तो हुई मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज टू K4Fe-CN6 बेटा ध्यान से देखो वो कंपाउंड जिसका ईएन नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ये क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है दोनों कॉम्प्लेक्स देखे विच इज मोर स्टेबल तो किससे चेक करना था ईएन निकाल के चेक करना था आर यू गेटिंग इट यस बेटा देखो इसके नीचे एक लाइन लिखना इन दोनों एग्जांपल को लिखो इन दोनों एग्जांपल के नीचे एक लाइन लिख लो सिंस
मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस के फोर एफ ई सी एन सिक्स एच ई एन 36, hence more stable than K3FeCN6. Is it okay? Yes sir. बेटा और बच्चे बताएं, समझ आ रहा है ये प्रोसेस, ये एन क्या होता है? Yes, no. बेटा बोलो प्लीज, रेस्पॉन्ड. क्या हम ई एन निकाल पाएंगे? Yes, sir. ठीक है, तो फटाफट से बेटा ये कंप्लीट करो ये लाइन, और फिर आगे बढ़ते हैं. जल्दी करो. लिख लिया. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. बेटा बहुत बेसिक चीज है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए. दैट्स इट. वो आता है तो हम इजीली कर पाएंगे. किसी को किसी भी डाउट है एन निकालने में तो बताओ, मैं सॉल्व करके बता दूंगा. और इस यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आयरन का? प्लस टू से थ्री था. प्लस थ्री आएगा बेटा यहाँ आयरन का. कैसे? ऑब्वियस बात है, ये के थ्री है बेटा, तो के पोटेशियम पे प्लस वन होता है, आप सबको पता है. तो यहाँ तीन प्लस है तो यहाँ तीन माइनस. साइनाइड में माइनस वन होता है माइनस सिक्स, तो इस पे कितना होना पड़ेगा? प्लस का थ्री. तुम लोगों को समझ तो आ रहा है कैसे? बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हो. एक दो बच्चे बोल रहे हो, शिशिका बोल रही है. और अदर्स प्लीज रेस्पॉन्ड या एटलीस्ट मैसेज करके बताएं मुझे, क्या ई एन बात समझ आ गई? तब तो मैं आगे बढ़ूं. यस सर, मैं वापस करा दूं, मैं भूल गया वापस. कौन सी चीज बेटा? सर ये ई एन करा दो सर. बेटा ई एन तो सिंपल एक फॉर्मूला है, याद करना है आपको. Can we do this? ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या? बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है तुझे? Yes, sir. आता है क्या हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल निकालना आता है? Yes, sir. क्या एलिमेंट का जेड पता है? तो बस बेटा फिर तो फॉर्मूला ही तो लगाना है. इसमें सबसे टफ हो ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसकी हमने अभी प्रैक्टिस की कि कैसे निकलेगा. तुम चाहो तो एक दो प्रैक्टिस और करवा दूं मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की. बोलो. नहीं सर, हो गया हो तो. सर ये फॉर्मूले से सर सबके निकल जाएंगे ना? यस बेटा. सर ये फॉर्मूला यूज करके सर सबके निकल जाएंगे ना? मतलब हाँ हाँ ये सब लेगा बेटा, बस ये चीजें निकालनी आनी है. सर पॉली टेंटेड लिगेंड्स हो तो फिर क्या बेटा? अरे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिर भी निकाल सकते हैं ना. हाँ. ऑक्सीडेशन नंबर फिर भी निकाल सकते हैं. हाँ. तो क्या हो गया बेटा? पॉलीडेंटेड हो, कुछ भी हो. नहीं समझे? यस सर. आई बात समझ? यस सर. कोई प्रॉब्लम? नो सर. गेटिंग इट? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया बेटा. अब बेटा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. मतलब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो देख लिया, जैसे कि बेटा हम K4FeCN6 बोलते हैं.
अब हमें सीखना है कि इनका नाम कैसे करें हम। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आज ऐसा लग रहा है कि बच्चे बिल्कुल उसमें है ही नहीं, पढ़ने के मूड में। बहुत एक दो बच्चे बस जैसे बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, बाकी चलो देखो बेटा, नेमिंग करनी है हमें। अब नेमिंग करने में हमारे पास मेनली देखा जाएगा बेटा तो दो मेन चीज है जिनका नाम सीखना है। पहला हमें लिगेंड की नेम करना सीखना है, फिर हम सेंटर का नेम देखेंगे, उसके बाद पूरे कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना सीखेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप नेमिंग सीखते हैं हम, किसी की भी नेमिंग करनी है तो। एंड दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल प्रोसीजर बेटा। आपको एक बार के लिए कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे बस, बट वो रूल याद कर लोगे तो नेम लिखना इतना आसान होगा कि आप तुरंत नेम लिख दोगे उसका, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बेटा, तो सबसे पहले नाम लिखना है मुझे लिगेंड का। अब लिगेंड्स का भी नाम लिखना है तो लिगेंड बहुत तरह के होते हैं बेटा, तो लिगेंड के नाम मेनली हमें तीन तरीके से सीखना है। या तो नेगेटिवली चार लिगेंड होगा, या पॉजिटिवली चार लिगेंड्स होंगे, या न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे बेटा। ये तीन कैटेगरी दिमाग में रखनी है। तो नेगेटिव चार्ज जो लिगेंड्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स टर्मिनल ई इज रिप्लेस्ड बाई ओ। मतलब नाम के एंड में जो ई होगा यदि, तो उसको ओ से रिप्लेस कर देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसका क्या नाम होता है बताओ? क्लोरीन, क्लोराइड। तो क्लोराइड है ना, क्लोराइड आयन होता है जैसे। तो लास्ट का ई किससे रिप्लेस किया हमने? क्लोराइड ओ से। इसी तरह इसका क्या नाम होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड। फ्लोराइडो। इसका नाम होता है नाइट्रेट, नाइट्राइड। नाइट्रेटो, नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है बेटा, दोनों में डिफरेंस होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। एनओ टू माइनस, एनओ टू माइनस वी कॉल इट नाइट्राइट, एंड एनओ थ्री माइनस वी कॉल इट नाइट्रेट। प्लीज मेक इट क्लियर। तो क्या नाम समझ आ रहा है ना, कैसे कर रहे हैं? इसको बोला जाता था बेटा क्लोराइड आयन, तो लास्ट का ई हटाके ओ, क्लोराइडो। तो कॉम्प्लेक्स के नाम में नेगेटिव चार्ज लिगेंड का नाम कर पाएंगे हम? Yes, देखिए समझ में आया तो इसका नाम बताओ, सी एन माइनस का क्या लिखूंगा? साइनाइडो। साइनाइडो, साइनाइडो, साइनाइडो। मतलब साइनाइड बोलते हैं, साइनाइडो हो जाएगा। आगे बात समझ में? कुछ नहीं करते बेटा। yes, जैसे नेगेटिव आयन का जो नाम होता है, जनरली नेगेटिव आयन का नाम ई पे एंड करता है, नॉट ऑलवेज लेट्स से बट मोस्ट प्रोबेबली ई पे एंड करता है, तो उस केस में उसके ई को हटा के ओ कर देना है। दैट इज इट, अ वेरी सिंपल टास्क टू डू बेटा। पक्का समझ आ गया? यस सर। बढ़ो आगे। चलो तो बेटा नेगेटिव चार्ज का सीख लिया। अब देखो पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं, फॉर पॉजिटिवली चार्ज आयंस इनिशिएटेड एट द एंड ऑफ नेम। एग्जाम्पल एनओ टू प्लस, एनओ टू प्लस का सिंपल नाम होता है बेटा नाइट्रो, ठीक है? तो इसके नाम के आगे हम एंड में ईएम जोड़ देते हैं, मतलब नाइट्रोनियम। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बेटा, तो ट्रूथ इज मैं तो सजेस्ट करूंगा जो कॉमन है उनको याद ही रखे पॉजिटिव वालों में। तो जैसे एनओ प्लस, एनओ प्लस को नाइट्रोसोनियम हम बोल देते हैं। सिमिलरली एच थ्री ओ प्लस हाइड्रोनियम। अब हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं तो उससे समझ लो, चाहे बेटा नॉर्मल हम समझे। तो हाइड्रोक्साइड और इवन H3O प्लस को तो सिंपल हम उसी तरह से बोलते हैं बेटा ना, हाइड्रोनियम आयन, या नॉर्मल हाइड भी हाइड्रोनियम ही बोलते हैं इसे तो। सो जस्ट आपने देखा होगा बेटा, जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल मेटल्स जो होते हैं उनके नाम के एंड में जनरली ईएम आता ही है देखेंगे तो। जैसे सोडियम, रिमेंबर है?
यस सर कैल्शियम इस तरह से तो जनरली ये आते हैं नाम के में एक सेकंड बेटा रिसीविंग अ कॉल इसको लिख लो फटाफट से बेटा टिल देन राइट डाउन दीज रूल्स फटाफट रूल्स लिखो हेलो चलिए सर बहुत बढ़िया सर सही है ओके सर ओके हाँ ठीक है नहीं नहीं सर ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सर बाय 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 देखो नेगेटिव चार्ज ही होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम तो आसान होता है पॉजिटिव और न्यूट्रल बहुत कम होते हैं बहुत स्टैंडर्ड होते हैं वो धीरे धीरे याद ही हो जाएंगे क्योंकि आप देखोगे अभी मैं बताऊंगा फटाफट लिख लो इसको लिखने लग गए तो लिख लिया क्या यस सर चलो बेटा सर डन बेटा देखो सेकंड था पॉजिटिवली चार्ज तो बेटा मैं यही दिखाना बताना चाहता था देखिए जैसे न्यूट्रल में बेटा H2O एक्वा बोलते हैं बट इसके आयन को पॉजिटिव आयन को हाइड्रोनियम बोला जा रहा है NO को नाइट्रोसिल बोला जाता है बट इसके आयन्स को नाइट्रोनियम प्लस वाले को नाइट्रोसोनियम और प्लस 2 वाले को नाइट्रोनियम बोला जा रहा है तो ट्रूली स्पीकिंग हम बोलते जरूर है कि एंड में ईएम लगा देते हैं बट कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत अच्छा नहीं होता है यहाँ पे बेटा तो आपको ये और ये जो है इन दोनों को थोड़ा ढंग से ध्यान में रखना पड़ेगा तो जो स्टैंडर्ड है वो हम ध्यान रखते हैं जैसे NH3 हो गया बेटा न्यूट्रल में NH3 को हम अमीन बोलते हैं ये हम पहले ही देख चुके ऑलरेडी इथाइलिन डाइएमीन EN हो गया वो भी न्यूट्रल में आता है और आपका यहाँ पे जैसे OX हो गया ऑक्जिलेट आयन ठीक है तो वो यहाँ पे आ जाएगा तो उसको क्या बोलूंगा OX का नाम होता है बेटा ऑक्जिलेट तो इसको कॉम्प्लेक्स के नाम में क्या लिखूंगा बताओ क्या ऑक्जिलेटो बोलूंगा ऑक्जिलेटियम ऑक्जिलेटो बेटा ना एक हटा के वो जोड़ देंगे तो न्यूट्रल का तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटू बट जो हमारा नेगेटिव वाला है ना पॉजिटिव और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते और ट्रूली स्पीकिंग ये बोलते जरूर है ईएम लगता है बट कहाँ ईएम ये कोई रूल नहीं है अलग से हमारे पास में तो थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है तो जो मोस्ट टिपिकल है वो मैंने यहाँ लिख दिए है बाकी कुछ बहुत काम नहीं आते हैं पॉजिटिव वाले इट्स वेरी रेयर कि पॉजिटिव लिगेंड होते हैं न्यूट्रल फिर भी होते हैं बट जो स्टैंडर्ड है फिर से मैंने आपको बता दिए है जितने हैं अंडरस्टूड तो क्या लिगेंड का नाम लिख लिया yes,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर लेगेंड का नाम यदि आप लिख लोगे तो अब बेटा नाम करना सीखेंगे मेटल का। सेंट्रल मेटल कौन, जो आपका जैसे आयरन वगैरह के कॉम्प्लेक्स थे तो उनका नाम लिखना सीखते हैं। तो पहला देखो सर, न्यूट्रल वाले को क्या लिखते हैं? न्यूट्रल को सिंपल जो नाम होता है वैसे ही, नेम इज टेकन एच, मतलब सीओ का देखो कार्बनिल, H2O का एक्वा, NO का नाइट्रोसिल। तो न्यूट्रल का जो खुद का नाम होता है वैसा का वैसा ही नाम उनका लिख दिया जाता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। गेटिंग इट? यस सर। तो ऐसे बहुत बेसिक बेसिक चीज है बेटा, बिल्कुल बेसिक से ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक चीज है। क्लियर? यस सर। चलिए अब देखो बेटा, लिगेंड का नाम सीख गए हम कि लिगेंड का नाम इस तरह से होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है सेंट्रल मेटल का नाम कैसे लिखे। तो आइए समझते हैं हम सेंट्रल मेटल का नाम कैसे लिखेंगे। सो इफ द सेंट्रल मेटल आयन इज प्रेजेंट इन कैटायन, तो बेटा सेंट्रल मेटल के दो केस होंगे, या तो सेंट्रल मेटल इस पे प्लस चार्ज होगा या फिर मान लो इस पे माइनस चार्ज होगा। दोनों चीजें हो सकती है, या तो इस पे नेगेटिव चार्ज है या इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होता है बेटा, इफ सेंट्रल मेटल इज प्रेजेंट इन कैटायन, तो पहली कैटेगरी है जब वो कैटायन जिस प्लस चार्ज वाले के अंदर होगा तो द नेम इज टेकन एज सच विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन रिटन इन रोमन अल्फाबेट्स इन ब्रैकेट फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास में कोबाल्ट 3+ है तो इसका नाम कोबाल्ट, ब्रैकेट में इसका चार्ज लिखा जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते। द नेम इज टेकन एज सच विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन रोमन अल्फाबेट्स इन ब्रैकेट फॉलो। तो जैसे यहाँ पे बेटा ये आ गया, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम जैसे लिखवाना हो Fe CN6, अब ये सेकंड का एग्जाम्पल आएगा ये, तो अभी यहाँ पे मान लो ये बताऊं बेटा मैं आपको, निकिल NH3 4+ बेटा मान ली ये है, तो क्या निकिल जो है वो प्लस वाले पार्ट में है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो निकिल का नाम क्या होता है, निकिल ही होता है नॉर्मल, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? Yes, sir. इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? नाइट NH3 का 0 होता है, इसका 2, तो ब्रैकेट में ऐसे रोमन नंबर में 2 लिखेंगे हम, ऐसे रोमन वाला 2, मतलब ऐसे सिंपल 1 yes, sir. इस तरह से बस ऐसे आ जाएगा। अब सेकंड रूल देखो बेटा, इफ द मेटल आयन इज प्रेजेंट इन NIN देन द नेम इज रिटन एज अबव बट ATE एडेड एट द एंड ऑफ नेम, मतलब नाम के एंड में ATE एड कर देते हैं, वो ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, निकिल का नाम यदि नेगेटिव में होगा तो निकिल एट, टाइटन का नाम टाइटेनेट, अच्छा आयरन का नाम आयरनेट नहीं करते बेटा, यदि उनका ग्रीक नेम टाइप से है तो वो लिखते हैं जैसे फेरेट। सिल्वर होगा तो क्या हो जाएगा? Yes, sir. कोई बताएगा यदि नेगेटिव में सिल्वर आ जाए तो? ऑर्जिनेट, ऑर्गिनेट, जो भी आएगा बेटा। यस सर, ऐसे कुछ होता है ना, अर्जेंटेट स्पेलिंग एक बार चेक करनी पड़ेगी, अर्जेंटेट, नॉट श्योर ऑफ स्पेलिंग, बट इस तरह से कुछ आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी बात समझे, इसी तरह देखो गोल्ड होगा तो नेगेटिव में गोल्डेट नहीं करना, गोल्ड का मतलब एयू से दिखाते हैं हम इसे, ऑर्मेट, ऑर्गिनेट ऐसे कुछ होगा, ऑर्मेट या जो भी होगा बेटा, है ना, जो भी नाम होगा इसका, इसको देखना पड़ेगा एक बार के लिए, देख के देखना पड़ेगा हमें। वैसे चिंता मत करो, ऐसे बहुत तेजी हार्ड एंड फास्ट, मतलब लिटिल बिट आस पास लिखते तो गलत नहीं करते, बस तरीका गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यस सर। तरीका सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं होती है, आराम से चीज उनकी, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। अब ऐसा नहीं अर्जेंटेट की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी तो एग्जामिनर नाम काट लेता है, नो दे विल नॉट डिडक्ट मार्क्स फॉर दैट, बट हमें हमारी तरफ से फिर भी बेटर लिखने की कोशिश करनी है, बस ये थोड़ा ध्यान में रखना होता है। बाकी साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बेटा ऐसा नहीं होता कि हमारे मीनिंग्स की गलतियों के मार्क्स कट रहे, वो सब इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखना चाहिए। बाकी जगह आप आगे पीछे भी कर दोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या इतना समझ गए? यस श्योर। तो बेटा दो कंडीशन, यदि नाम हमारा पॉजिटिव में होगा, मतलब सेंट्रल मेटल पॉजिटिव वाली
स्फीयर में है, पॉजिटिव वाले ब्रैकेट में, तो उसका नाम एजिटिव और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। यदि वो सेंट्रल मेटल नेगेटिव वाले में है तो ब्रैकेट का मतलब मेटल का नाम एजेटीज, एंड में एटीई जोड़ना है और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ये डिफरेंस है। सर कोई एग्जांपल दे दो उसका सर। हाँ अभी लिखेंगे बेटा, देख पूरा नाम होने दो बेटा, तब समझ अच्छे से आएगा। जैसे यहाँ पे देखो इसका निकेल लिखा है, यहाँ पे Fe(CN6)4- था, तो यहाँ पे आयरन का नाम क्या लिखूंगा, फेरेट टू। yes, आ रहा समझ में? yes, ऐसे एंड में, अभी धीरे धीरे आएगा चिंता मत करो। पहले हमने क्या सीखा, लिगेंड का क्या लिखना है, फिर हमने सीखा सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल की दो कंडीशन, या तो नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा तो एजीटीज, नेगेटिव में होगा तो एटीई एंड में, इस तरह से लिखना है। इज इट क्लियर? तो फटाफट से लिख लो जल्दी से। ये प्रदीप सर हॉट कॉफी। ये बेसिक रूल्स है, ध्यान में रखने हैं, बट ये ध्यान रखोगे तो नेमिंग कभी भी गलत नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग बहुत टफ लगती है, बट इस तरह से बहुत आसान हो जाएगी और हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस इस तरह से हमें ध्यान देना है बेटा। हो जाए तो फटाफट बताना। और बच्चे बिटू लिख लिया? यस सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बेटा, हमने लिगेंड सीख लिया, सेंट्रल मेटल सीख लिया, अब हम पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना सीखेंगे। तो बेटा ध्यान दो, कभी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं और फिर हम एनायन का नाम लिखते हैं। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड रूल, आप सबको पता है। जैसे NaCl का नाम कैसे लिखता हूँ, सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरह से बेटा किसी का भी नाम हम कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे फिर एनायन का लिखेंगे। तो देखो बेटा, फॉर द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट एंड देन नेम ऑफ एनायन। आ गई बात समझ में? बिल्कुल, ये तो बेसिक रूल है, हम छोटी क्लास से यूज करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे दो रूल और आएंगे फॉर सिंपल कैटायंस और एनायंस। सिंपल कैटायन और एनायन का मतलब जो ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट के अलावा। सिंपल का मतलब क्या है, अदर देन ब्रैकेट, ऐसे याद रख सकते हैं बेटा। तो जो ब्रैकेट में नहीं है, देयर नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड, तो बेटा सिंपल केटाइन या एनाइन का नंबर नहीं लिखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल,
K4Fe-CN6 यदि जो है बेटा K4Fe-CN6, इसके अंदर हम पोटेशियम को केवल पोटेशियम लिखेंगे, इस K को केवल पोटेशियम लिखेंगे क्योंकि ये सिंपल कैटायन है, हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे क्योंकि चार मतलब इसका नंबर चार है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यदि सिंपल कैटायन एनायन होगा तो जस्ट राइट द नेम विदाउट द नंबर, क्लियर? आगे देखो, सिंपल होगा तो ही ना। हाँ सिंपल का बेटा पहला देखो सिंपल, अब देखो कॉम्प्लेक्स को कैसे करेंगे। तो बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन होंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। अब लिगेंड का नाम लिखने के लिए रूल सीख ही चुके हैं हम, सो नेम ऑफ लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में लिखे जाएंगे बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिख दो, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखो। एंड ये रूल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज इन एनायन देन द नेम इज मॉडिफाइड बाय एडिंग ATE। तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इवन लेट मी कट इट हियर। ये यहां पे दोबारा आ गया, क्या बात समझ गए? लेट मी रिपीट एवरीथिंग। यस सर, इन शॉर्ट सब कुछ रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहां पे लिख रहा हूं इन शॉर्ट, सबसे पहले बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स देखा तो उसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, कैसे? कैटायन और एनायन। जो बोल रहा हूं अच्छे समझना बेटा, कैटायन के फिर दो पार्ट, सिंपल है तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स है तो क्या करेंगे। इसी तरह एनायन के दो पार्ट बेटा, सिंपल है तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स है तो क्या करेंगे। सिंपल केटाइन है तो विदाउट नंबर, विदाउट नंबर जस्ट राइट नेम। कॉम्प्लेक्स है तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स है तो बेटा पहले नंबर पे हम लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद बेटा सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल AGTH, कुछ चेंज नहीं। यहां पे भी सिंपल है तो सेम प्रोसीजर, जस्ट नेम। और यहां कॉम्प्लेक्स तो क्या हो जाएगा बेटा, लिगेंड्स, और एनायन में कॉम्प्लेक्स था तो सेंट्रल मेटल प्लस एट द एंड वी विल एड AT। क्या बात समझ में आ गई? ये पूरा सार है अपना, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेमिंग, शॉर्टकट मतलब पूरा नेमिंग इसमें आ गया एक तरह से, समझो आप कि कॉम्प्लेक्स दिखा, केटाइन कौन, एनायन कौन, पहले केटाइन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं। केटाइन में देखना है सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है तो AGTH, कॉम्प्लेक्स है तो ए, इस तरह से कहानी चलेगी बेटा। तो सबसे पहले क्विकली इन रूल्स को लिखो बेटा यहां तक, और फिर हम इन एग्जांपल्स को करते हैं, वन बाय वन समझते हैं। फटाफट से रूल्स लिख ले, लास्ट की लाइन मत लिखना जो मैंने कट कर दी, डो नॉट राइट दिस, है ना, ये लास्ट वाली लाइन मत लिखना, ये ऑलरेडी आ चुका है कभी। जल्दी जल्दी लिखे फिर एग्जांपल्स करते हैं। सर नेम से सर फॉर्मूला लिखना हार्ड होगा? हाँ नेम से फॉर्मूला लिखना थोड़ा, नहीं इतना नहीं होता,
आ जाता है, इतना टफ नहीं होता, दोनों चीज़ें करते हैं आ जाती है, इतनी दिक्कत नहीं होगी, अभी करेंगे सब कुछ, मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा अभी आपको, चिंता मत करो, तब आ जाएगा सब कुछ। यस लिख लिया हमने, एग्जाम्पल में समझाऊंगा फिर लिखना। Then, चलो बेटा अब देखो इसका नाम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। K4FeCN6 तो बेटा इसको जैसे पानी में डालें हम तो एक कैसे टूटेगा सोचो, ये टूटेगा K प्लस में और चार A प्लस है, तो FeCN6 4 माइनस में, बोलो टूटेगा कि नहीं? Yes, sir. तो तुम्हें पता चल गया बेटा ये केटायन है, तो सबसे पहले केटायन का नाम लिखा जाता है, तो नाम आ गया पोटेशियम। देखो अब एनायन का नाम लिखेंगे तो क्या एनायन कॉम्प्लेक्स है? yes, तो कॉम्प्लेक्स एनायन के नाम में, अब एनायन के कॉम्प्लेक्स होता है तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। तो बेटा लिगेंड है साइनाइडो, बस उसका नंबर पहले लिखेंगे तो हेक्सा साइनाइडो। लिगेंड खत्म हो गए, फिर मेटल का नाम मतलब फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2 तो फेरेट 2। क्या बात समझ में आई क्या सर? फेरेट में सर डबल आर होगा या सिंगल आर? अभी तो ठीक है, डबल आर सिंगल आर, सिंगल आर ही होना चाहिए शायद, डबल होता है क्या? आई एम नॉट श्योर, सिंगल ही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। सर फेरस में तो सर डबल आर होता है, तो फिर हम डबल आर ले सकते हैं, आई एम नॉट श्योर बेटा, ना मतलब टेक्निकल स्पेलिंग वगैरह पे आई एम नॉट श्योर, जो नॉर्मल स्पेलिंग है उस पे श्योर नहीं है।
इज इट दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। समझ में? दूसरा वाला एग्जांपल देखो बेटा, इसको भी अलग से तोड़ के दिखा रहा हूँ। देखो मैं CO H2O होल 6 Cl3, इसको कैसे तोड़ेंगे? पानी वगैरह में डाल दे तो बेटा देखो ये टूटेगा, CO H2O होल 6 3 प्लस और 3 Cl माइनस। तो अब केटाइन का नाम पहले लिखो, केटाइन का कॉम्प्लेक्स है या नॉर्मल है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, तो पहले किसका नाम आएगा? लिगेंड। लिगेंड का, तो लिगेंड का नाम हो गया बेटा हेक्जा एक्वा, H2O पे एक्वा बोलते हैं तो हेक्जा एक्वा। फिर मेटल का कोबाल्ट, अब ये कॉम्प्लेक्स मतलब केटाइन है तो 8 नहीं लगाएंगे, कोबाल्ट 3, और लास्ट में ये सिंपल है, इनका नंबर नहीं लिखते, केवल नाम, तो क्लोराइड। क्लियर? यस सर। आ रहा है समझ में? ये बेटा थोड़ा सा टिपिकल है, अभी इसको होल्ड करो, इसको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। तो अभी ये दो एग्जाम्पल लिखो, फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, उनके नाम लिखो तुम लोग। लिख लिया हमने, रिटर्न। चलो बेटा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए, और वो हमें ट्राई करना है अब, ठीक है? यहां पे लिख देता हूं बेटा एग्जांपल, कोबाल्ट। देखो ऑक्सीडेशन पर निकालना पड़ेगा, तो वो दिमाग लगा के निकाल, मतलब चार्ज वगैरह को सोच के, सॉरी Cl3 यहाँ थोड़ी होगा, Cl3। इसका नाम करना क्या होगा? सब बच्चे नेमिंग करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए बेटा हो जाए शुरू, तीनों का नाम करो। तुम्हारे सामने लिखा हुआ ऊपर कि कैसे करना है, प्लीज ट्राई इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में पक्का सवाल आएगा 100%, या तो नाम या नाम देके फॉर्मूला, इट इज सर्टेन, इट्स अ सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन मिनिमम। ये आएगा ही आएगा सर। एनएचसी को सर क्या बोलते हैं इसमें? अमीन बेटा, अमीन मुक्त सर। सर एग्जाम अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यस सर, मेरा भी आ रहा। और बच्चे सही है क्या? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले? तो बेटा ये 3 माइनस होंगे तो इस पे 3 प्लस होगा, NH3 पे 0 होता है तो इस पे +3 हो जाएगा। तो अभी अब केटाइन पार्ट में है तो हेक्सा, H कैपिटल शुरू वाला लेटर, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसको लिखो जरा, इसका नाम क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। C2O4 क्या होता है? इथेन। C2O4। व्हाट इज C2O4? एक तो दिक्कत है, अब नजर आ रहा है सर? ऑक्सलेट। हाँ, ऑक्सलेट आयन है बेटा,
C2O4 इज ऑक्सीलेट आयन। अब लिखो नाम, बता दिया मैंने जो इंट चाहिए था, सोचो और लिखो जल्दी से। क्या नाम होगा बेटा सेकंड का? पोटेशियम ऑक्सीलेट फेरेट थर्ड। ना गड़बड़ी कर दियो बेटा, देखो पहले कैटायन लिखेंगे, आयरन आएगा ना? नहीं आएगा तो फेरेट ही बेटा, नेगेटिव में है। पोटेशियम इसका नाम क्या है? ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेट। और इसका नंबर कौन लिखेगा? तब एनायन का नाम लिखेंगे तो ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट। क्या ऑक्सीडेशन नंबर है इसका? थर्ड बेटा। देखो ये थ्री है तो यहाँ पे माइनस थ्री आएगा, तो इस पे माइनस सिक्स हो जाएगा तीन पे मिला के, तो इस पे प्लस थ्री होना पड़ेगा तो फेरेट। नहीं आया समझ में? यस सर आ गया। अगला लिखो, जल्दी लिखो बेटा अगला। पता नहीं दो तीन बच्चे लिख पा रहे हो और नहीं सीख पा रहे हो बेटा। देखो डाउट है पूछ लो सीधा सीधा, एक नंबर को होने की चीज है ये। नो सर आ गया, हमें दिक्कत आ रही है। तो देखो लिगेंड का नाम नहीं पता तो ठीक है फाइन, बट बेसिक चीजें जो मैं करवा रहा हूँ तो ऐसे करवा रहा हूँ बेटा, बुक के कुछ नाम याद करने पड़ेंगे तुम्हें। बुक में जब पीडी का नाम क्या होता है? क्या बेटा? पैलेडियम। पीडी का नाम पैलेडियम, पीडी पीडी का नाम होता है बेटा पैलेडियम। तो ये नेगेटिव साइड है तो पैलेडेट हो जाएगा। तर पोटेशियम टेट्रा क्लोरो पैलेडियट थर्ड क्लोराइड टू। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, पैलेडियम थर्ड नहीं होगा, सीएल फोर है वो, तो सोचो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। हाँ टू होगा। समझ आ रहा है क्या? बेटा देखो एक तरह से तोड़ेंगे के प्लस टू के प्लस और इस पे माइनस, तो पी डी सी एल फोर टू माइनस। अब क्लोरीन चार माइनस होगा, माइनस का चार चार मिला के, तो इसको प्लस टू होना पड़ेगा बस। तो इसका नाम करो पहले पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो, क्लोरो नहीं आएगा बेटा क्लोराइडो आएगा, क्या आएगा? और पैलेडेट। अब जो स्पेलिंग होती है बेटा पहले डेट टू इस तरह से। दिमाग आया कुछ तो? यस सर। चलो अब बेटा उल्टा काम करते हैं। उल्टा मतलब हमें दिया हुआ है नाम, उससे फॉर्मूला लिखना है, तो उल्टा चलते हैं। देखो ये लिख लो तीनों फटाफट फटाफट। यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं,
पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी टेट्रा हाइड्रोक्साइडो सॉरी तो पता कैसे चलेगा पोटेशियम के फोर के फिर वैलेंस सेटिस्फाई करनी है चार्ज सेटिस्फाई करने से उल्टा चलना पड़ेगा क्या सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन से पता चल जाएगा उस पे कितना चार्ज है स्फीयर पे मतलब ब्रैकेट पे तो क्या उससे इसका नंबर पता चल जाएगा हाँ बस ये करना है टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिनकेट टू चलो हो जाओ शुरू लिखो जरा दिमाग लगा के इसका फॉर्मूला करो करो जल्दी जल्दी आसान है बेटा चार्ज की इक्वेशन सोचोगे तुरंत आ जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड चलो ये दोनों के नाम बताओ बेटा अरे कितने मार्क्स का बनेगा ज्यादा ज्यादा एग्जाम में वन मार्क के बेटा वन मार्क का ही आता है बट किसी भी वे में पूछ लेते हैं वन मार्क का समझ लो तुम वन मार्क तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वन मार्क बेटा 99% आता है एक मार्क का क्वेश्चन तो अब एक से ज्यादा आ जाए तो फिर अलग बात है सो फर्स्ट का K2ZnOH4 आएगा कि वो दिमाग लगाना पड़ेगा क्या है क्या नहीं तो बेटा देखो जो सिचुएशन दी हुई है उससे समझेंगे हमें यहाँ पे देखो एक बात समझ में आ गई कि जो ब्रैकेट वो राइट साइड नेगेटिव है और यहाँ पे एक के तो आएगा ही आएगा पोटेशियम नंबर कितना है वो भी सोचेंगे अब बेटा टेट्रा हाइड्रोक्साइड और जिंकेट तो जिंक है और टेट्रा हाइड्रोक्साइडो हाइड्रोक्साइडो होता है बेटा OH होल फोर अब सिंपल सोचो बेटा जिंक पे प्लस टू का चार्ज है और OH फोर पे कितना चार्ज हो और चार OH पे मिला के माइनस फोर तो बेटा नेट चार्ज कितना हो गया इस डब्बे पे माइनस का टू माइनस तो इस माइनस टू को हटाने के लिए बेटा इधर भी प्लस टू होना चाहिए के को दो होना पड़ेगा बस तो क्या फॉर्मूला बन गया के टू जेड एन ओ एच और बताओ आया समझ यस सर अगला करो जरा यस सर समझ आया था बेटा इसका नाम लिखो वन बाई वन चलो स्टेप बाई स्टेप देखो ब्रैकेट पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड और सोचो फिर नेम लिखना आना चाहिए बेसिक अब बहुत बेसिक है इवन बेटा तुम्हें लग रहा होगा कि नाम लिखना आसान है और ये टफ होता है नहीं ये ज्यादा आसान होता है फॉर्मूला बनाना क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ है नंबर वंबर सब पता है थोड़ा सा दिमाग बस बाहर के नंबर के लिए सोचो सेकंड नहीं आ रहा सर मेरे को बेटा बहुत आसान है अच्छा अंदर क्या क्या लिखूं सिंबल्स तो बताओ सर इसमें है कितने लिखे एंड NH3 बेटा बहुत सारे हैं अमीन है एक्वा है और क्लोराइडो है देख बेटा एक तो कोबाल्ट तभी समझ नहीं आ रहा एक तो कोबाल्ट हो गया एक इस नाम से समझो टेट्रा अमीन तो अमीन कितने हुए बताओ सर फोर चार तो ब्रैकेट में NH3 लिखाओ और चार लिख दो आगे बढ़ो एक्वा तो एक्वा के पहले कितना है नंबर नहीं है कोई भी
तो एक H2O होगा बेटा। आगे बढ़ो, क्लोराइड हो तो क्लोरीन के अलावा भी कोई नंबर नहीं है, तो कितना क्लोरीन होगा? एक क्लोरीन। अब ये तो हो गया अंदर का काम, बाहर में भी क्लोरीन है। अब बेटा देखो इस पे चार्ज कितना है नेट, तो कोबाल्ट पे +3 है और क्लोरीन -1 है, तो बताओ इस पूरे डब्बे पे नेट चार्ज कितना हो गया? 2 प्लस का 2, तो प्लस के 2 को ये क्लोरीन का माइनस खत्म करेगा, तो क्लोरीन को भी 2 होना पड़ेगा। अब समझ गए कि उसका नंबर क्यों नहीं होता? यस सर। अरे बेटा आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। हाँ तो इम्पोर्टेंट है बेटा, अच्छे से करें, हम ध्यान रख के करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। और कल आपका टेस्ट है ही फिजिक्स का, आप प्रिपेयर करें उसके लिए, और टाइम पे ही टेस्ट होगा आपका, ठीक है? तो वो आप कर ही रहे हो सर। मैंने आज कर लिया गलती से सर, मेरे को लगा ना आज था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना बेटा, और थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कल है तो। बाकी इज इट क्लियर बेटा? देखो अब एक काम है, होमवर्क आपका। मैथ क्लास है क्या? अभी बताऊंगा बेटा, बात करूंगा फिर मैसेज करूंगा, ठीक है? अकॉर्डिंगली तो होमवर्क क्या है? होमवर्क आपका, आपको नेमिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिखे। अच्छा नेमिंग में बेटा एक ब्रिजिंग लिगेंड्स की नेमिंग हो सकती है, हमारी बुक में एक आध क्वेश्चन दिख जाए, एनसीईआरटी में तो नहीं है, आईसीएसई की बुक में हो सकता है एक दो क्वेश्चन दिखे, दैट इज अ हायर पार्ट, जैसे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, आईसीएसई के में भी आई हैव चेक, बट हो सकता है बुक में हो, जैसे आपका ब्रिजिंग लिगेंड। वैसे मैं पढ़ाता भी हूँ, बट एंड में बताऊंगा मैं, वो थोड़ा जेई पर्पज से बता देता है बेटा बस, बाकी वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको छोड़ देना। यदि एक क्वेश्चन होगा मुश्किल से होगा तो एक आध। सर कौन सा लिगेंड? ब्रिजिंग लिगेंड से रिलेटेड बेटा, है ना? ओके सर। बाकी नेमिंग के सारे क्वेश्चन कर लो अपनी बुक के, तो एक टॉपिक पक्का हो जाएगा। कुछ कुछ लिगेंड होंगे जिनके नाम की बेटा तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको देख के करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेरी बात समझ गए? वो याद ही करना पड़ेगा यदि किसी लिगेंड का नाम पता नहीं है तो। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए तो ये काम हो गया आपका, अगली क्लास से पहले ये काम जरूर करें। और थोड़ा सा चैप्टर बेटे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, अगली वीक में खत्म हो जाएगा ये, अगली वीक में हम नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।